गदर 2 की फ़िल्म की शूटिंग हमारे ही घर में, हमारे प्रांगण में, हमारी प्रॉपर्टी में की गई। और पहले 20 दिन की जो शूटिंग हुई, 1 से 18 दिन की, 1 से 18 तारीख तक, और 23 तारीख को, 23 नवंबर को ये लोग यहाँ पर आके इन्होंने हमारी प्रॉपर्टी पे, आप यूँ कहें कि एक तरह से कब्ज़ा कर लिया। बात सिर्फ 3 कमरे और एक हॉल की हुई थी, 11,000 रुपये के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। लेकिन जब ये लोग आए तो अपनी मनमानी करते गए और जगह को ऑक्यूपाई करते गए। और जब भी मैंने इनसे फाइनेंशियल्स की बात करनी चाही तो मेरी बात बार बार काटी गई, मुझे अलग अलग मीटिंग के वक्त दिए गए, अलग अलग तरह के झांसे दिए गए, झूठे वादे किए गए। और मैंने इनके हर एक एम्प्लॉई से, इनके चाहे CFO हों, चाहे इनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हों, चाहे इनके डायरेक्टर हों, नौबत यहाँ तक आ गई कि मुझे अपने ही घर में आखिरी दिन शूटिंग भी रोकनी पड़ी। इवन सनी देओल जी उस दिन शूटिंग पे मौजूद थे, पर मैंने अपने बड़ों की, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मैंने शूटिंग वापस रिवोक कर दी आधे घंटे के समय के बाद, क्योंकि मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहता था। लेकिन भाग्य को शायद कुछ और मंजूर था। डायरेक्टर साहब ने, अनिल शर्मा जी ने मुझे बहुत हौसला अफजाई की कि आपने हमारी शूटिंग रिवोक कर दी, और उन्होंने कहा कि मैं इस मामले को जो है आपसी समझ के साथ बैठ बैठ के बातचीत करके सुलझाऊंगा। और आप जय होटल का उन्होंने न्योता दिया और कल हम उनसे मिले, मुखातिब हुए। लेकिन उस मीटिंग के अंदर, जाहिर सी बात है कि उस मीटिंग के अंदर जब इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग आपके सामने बैठे हों तो आप अपनी बात कहाँ रख पाते हो। हमें डराया गया, धमकाया गया। मैंने ये जो आंदोलन, या जो आप कहें ये जो लड़ाई अपने परिवार के लिए की। कितना बजट आपने दिया था? जी, तो पहली दफ़ा जब मेरी बातचीत उनसे हुई तो ये 13 तारीख की बात है, जब उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मिस्टर परमिंदर भाटिया जी से मेरी बात हुई। मेरी ही नहीं, मेरे पिताजी और ताया जी, हम सब साथ में बैठकर उनसे बात की। हमने एक एस्टिमेटेड कॉस्ट उनको 56 लाख के आसपास की एक एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो उनको दी थी, उसकी प्रॉपर एक वर्किंग बना के दी थी। जो प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन हुई थी वो तकरीबन 35 लाख के आसपास का एस्टिमेटेड कॉस्ट था। जो दोनों घर इस्तेमाल हुए हैं और जो घरों के बाहर का एरिया इस्तेमाल हुआ है वो बाकी का कॉस्ट था। तो घरों की जो कॉस्ट थी तकरीबन 28-30 लाख के आसपास, उसके लिए वो एक तरह से मान चुके थे और उन्होंने हामी भरी थी। उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टी की बाकी जो बात है वो शायद थोड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बने और आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन वो डिस्कशन कभी हो नहीं पाई। और दूसरे दिन जब उनके, तीसरे दिन CFO और बाकी की टीम आई तो उन्होंने उस डिस्कशन में हावी होकर जो पहली बात उन्होंने एग्री की थी वो भी, उन्होंने उसको भी दरकिनार किया। अब जो चंद शब्दों में मैं अब ये कहना चाहूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जी स्टूडियोज़, शारिक पटेल जी, सनी देओल जी, अमीषा पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे साथ किया है। अनिल शर्मा जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन अब गुजारिश सिर्फ इतनी सी है, जो 11,000 रुपये आपने शूटिंग के एडवांस में दिए थे वो हम आपको अपने हाथों से, वो 11,000 रुपये आपको वापस करना चाहते हैं। लेकिन इसे तोहफा मत समझिए, क्योंकि आपने जबरन हमारी प्रॉपर्टी पर ये शूटिंग की, हमारे घर को शूट किया, और ये किसी भी फिल्म का हिस्सा नहीं हो सकता।